सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेनी है सुर्खियों के वल। खालसा हेड के गोदामा से छापेमारी। खालसा हेड नाल जुड़े अमरप्रीत के घर से छापा। एनआईए ने एक मैरिज पैलेस से भी की छापेमारी। मोगा के पिंड धूरकोट रंगसी विखे भी एनआईए वालों की गई छापेमारी। महाराष्ट्र क्रेन हादसे से पीएम मोदी ने मजदूरों की मौत से जताया दुख। मजदूरों लिए मुआवजे का किया ऐलान। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। जिस संस्था वालों सरकारां तो पहला हड़ पीड़ितां दी सुरक्षा ते मदद लई अपना हथ वधाया गया उसे संस्था ते एनआईए दी टीम वालों छापा मारे गए। नैशनल इन्वैसटीगेशन एजेंसी वालों सूबे भर में छापे मारे जा रहे हैं। इसे दे चलदे एनआईए की टीम ने खालसा हेड के गोदामा से छापेमारी की। इस दे नाल ही खालसा हेड नाल जुड़े अमरप्रीत के घर से भी छापा मारिया गया है। नाल ही जिस पैलेस में हड़ पीड़ितों नूं रहण बसेरा मुहैया करवाया गया सी जिथे खालसा हेड वालों राशन का समान रखा गया सी उत्थे ही टीम ने छापेमारी की। जिवें तुहानूं पता ही पंजाब दे विच निरंतर सेवावां खालसा हेड वालों चल रही ने जी दिन रात। एक करके साडे सेवादार साडे वॉलंटियर्स सेवावान निभा रहे हैं। तो उदा ही अमरप्रीत सिंह साढ़े जिहड़े मैनेजिंग डायरैक्टर ने इत्थे मुखी ने खालसा इंडिया के उन्होंने अज घर जी एनआईए वालों इन्वैसटिगेशन की गई है जी। एनआईए की टीम जी सी दिल्ली तो पहुंची नाल प्रोटोकॉल के नाल उन्होंने नाल पंजाब पुलिस जी सी शामिल थी जी। तो वो तकरीबन सवेरे 5 बजे तो लैके 10:30 बजे तक ये चली है जी। तो मीनवाइल जो सानू इनफॉर्मेशन मिली तो असी जो पहुंचे तो खालसा हेड ऑफिस भी विजिट की उन्होंने खालसा हेड ऑफिस भी विजिट करके गए। तो उस तो बाद उदा रीजन की सीगा उन्होंने की प्रोटोकॉल सी की इन्वैसटिगेशन के कारण सी क्योंकि जो खालसा निरंतर सेवावान निभा रही है उसके चलद तो इस कुछ कहा नहीं जा सकता। बट की कारण ने उसके बारे अमरप्रीत सिंह जी जिहड़े ने जिन्हों तो इन्वैसटिगेशन हुई है सारे परिवार तो वह ये बारे अगे बयान देंगे जी। चलते हुए जो चलते समय अगर बयान आएंगे वो इस वे उन्हों की जो स्टेट ऑफ माइंड वो नहीं दे सकते जी क्योंकि सवेरे 5 बजे तो लैके 10:30 बजे तक इन्वैसटिगेशन चली है। थोड़ी देर तक होर जो भी इनफॉर्मेशन होगी संगत नाल सांझी की जाएगी। इस दे नाल ही मोगा दे थाना निहाल सिंह वाला दे अधीन पैंदे पिंड धूरकोट रंसी विखे भी एनआईए दी रेड हुई है। सूत्रां दे हवाले तो यह गल सामने आ रही है कि एनआईए वालों ही रेड जसविंदर सिंह दे घर की गई है जिसका परिवार काफ़ी लंबे समय तो इस पिंड विच रह रहा सी। इस परिवार का पिछोकड़ मोगा दे पिंड रोडे तो दस्या जा रहा है। टीम वालों चैकिंग संबंधी मीडिया नाल कोई जानकारी सांझी नहीं की गई। उधर संगरूर ते मलोट के पिंडां विच भी एनआईए वालों छापेमारी दीआं खबरां ने। फिलहाल होर वेरवियां दी उडीक की जा रही है। न्यू चंडीगढ़ बैरियर कोल कैब ड्राइवर दा कतल करन दा मामला सामने आया। कैब ड्राइवर गड्डी च लहू लुहान हालत च पिया होया सी जिसकी जानकारी पुलिस नूं मिली। पुलिस जदों मौके ते पहुंची तां कैब ड्राइवर दी धौण ते किसे तेज धार हथियार नाल वार किते होए सन। न्यू चंडीगढ़ थाने के SHO सतिंदर सिंह मौके पर पुलिस पार्टी नाल पहुंची ते कैब ड्राइवर नूं PGI पहुंचाया जिथे डाक्टरां ने जांच तो बाद उसनूं मृतक ऐलान दिता है। उसकी पछाण 40 साला धर्मपाल वजों हुई है जो कि मूल रूप तो राजस्थान का रहने वाला सी। यही कहना चाहवांगे भी जिहड़ी इह इनड्राइव ऐप है ये पहली गल है कि ना कोई टैक्स दे रही है ना कोई कुछ दे रही है। इन्हें ड्राइवरां दा जीना हराम कीता होया ना कोई कोई इहदे च कोई राइड दा कोई ओह है ना कोई कुछ है। इस करके सानू कोई सेफ्टी नहीं है ते असीं यही सारे ड्राइवर भरा अपील करदे आं हाथ जोड़ के बेनती है भी इनड्राइव ना बुक करो। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब महिला कमिशन की साबका चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी की करजी से सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार दे हुकम ते रोक लगा दी है जिस तहत गुलाटी नूं मकान खाली करन दा हुकम दिता गया सी। हाई कोर्ट ने कहा है कि उन्हां दी एक्सटेंशन खत्म करन दे फैसले नूं ठीक करार दिते जान दे सिंगल बेंच दे फैसले खिलाफ हाले उन्हां दी अपील हाई कोर्ट च विचार अधीन है। इसलिए उन्हां दे सरकारी घर नूं खाली कराउण दी प्रक्रिया नहीं की जा सकती। इसलिए सरकार दे
उकत हुक्मां ते रोक लगाई जाती है। कोर्ट ने मनीषा गुलाटी की अर्जी से पंजाब सरकार नूं नोटिस भी जारी किया ते जवाब दाखिल करने लिखा है। पंजाब सरकार ने मनीषा गुलाटी नूं पंजाब महिला कमिशन के चेयरपर्सन अहुदे ते मिली एक्सटेंशन रद्द करके उन्होंने अहुदे तो हटा दिता सी। मनीषा गुलाटी सरकार खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए सन। हाई कोर्ट ने 28 मार्च में उन्होंने पटीशन खारिज करके पंजाब सरकार के फैसले को ठीक करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले च समृद्धि एक्सप्रैस वे निर्माण दौरान पुल के स्लैब से क्रेन डिगन कारण हुई मजदूरों की मौत से सोग जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड चो हरेक मृतक के वारसा नूं 2-2 लाख रुपए ते जख्मियों नूं 50-50 हज़ार रुपए की मदद राशि देने का ऐलान किया। हादसा तड़के मुंबई तो करीब 80 किलोमीटर दूर ठाणे जिले के शाहपुर तहसील के सरलांबे पिंड ने वापरे। इस घटना च 17 मजदूरों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री दफ्तर वालों जारी एक ट्वीट च प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र च वापरिया हादसा बेहद दुखदाई है। इस हादसे जिन्हों लोगों ने अपने आप गवाया है नेरी उन्हों प्रति डूंगी हमदर्दी है। मैं जख्मियों के जल्दी ठीक होने की कामना कर। चंडीगढ़ के एडीजीपी होने का झांसा देकर जलंधर के ट्रैवल एजेंट नाल भी 5.76 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 बदमाशों मोहाली पुलिस ने काबू किया। इन्हों दोवें बदमाशों ने क्रिकेटर ऋषभ पंत नाल भी 1.5 करोड़ रुपए की ठगी मारी सी। इस गल का खुलासा बदमाश ठग से उसके साथी की गिरफ्तारी तो बाद होया। मोहाली पुलिस ने दोवों पंचकुला के एक क्लब तो काबू किया। लुटेरिया की पछाण फरीदाबाद के रहने वाले मृनाक वजो हुई है, जदों की उसके साथी की पछाण राघव गोयल जो कि हरियाणा सैक्टर 17 के रहने वाला। दोवें समय मोहाली के फेज 8 थाने 2 दिन के पुलिस रिमांड से ने। पुलिस मुताबिक वह पंत को क्रिकेट राही ही जानते सी ते दोवें जोनल क्रिकेट अकैडमी कैंप विच मिले सन। सूबे अंदर ट्रैवल एजेंटा वालों विदेश भेजन के नाम से पंजाब के नौजवानों नाल ठगी मारन के अनेक मामले सामने आ गए हैं, पर हुण इन्हां एजेंटा ने पंजाब दीआं धीआं नाल भी ठगी मारनी शुरू कर दी है। ताज़ा मामला सामने आए फिरोजपुर के पिंड लल्ले तो, जिथे एक गरीब परिवार ने पाई पाई जोड़ अपनी धी नूं विदेश भेजा सी, पर एक महिला एजेंट ने उस लड़की नाल अजिही ठगी मारी कि अज लड़की विदेश च फस चुकी है। परिवार वालों पंजाब सरकार कोलों मदद की गुहार लगाई जा रही है। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान तो लड़की नूं पंजाब वापस लियाउण दी मांग कीती। साडी सरकार वालों मंग इह आ वी साडी जिन्नी वी मदद तों मदद हुंदी आ उह कर सकदी आ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੁੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਵੇ। 9 ਵਿੱਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਕੇ 11 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ 2ਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਰਾਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 9 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2ਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। बटाला के नजदीकी जलंधर बाईपास के खाली प्लाटा च एक नौजवान की शकी हालातों च लाश मिलने इलाके च दहशत भरिया माहौल बनता जा रहा है। मृतक की पछाण 28 साल नौजवान गुरप्रीत गोल्डी पिंड फुलके वजो हुई है, जो अपने घरों तो 2 दिन तो लापता चल रहा है। परिवार का कहना है कि उन्होंने पुत का कतल होया। दूजे पासे पुलिस का कहना है कि बयान दर्ज किए गए हैं। लाश का पोस्टमार्टम कराने लिए सिविल हस्पताल बटाला लिया गया है, बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरे बच्चे दे बहुत बीमारी हालत की गई आ, इनू मारकोट की गई आ, ये हालत करंट लाए गए आ, गल दे विच रस्सियां पा पा के अं हालत जागण के वेखीए भी ये रस्सियां पा पा के खिच खिच मारिया इनू। नलां दे उत्ते भी करंट लाए इन्हां दे कछां दे विच करंट लाए आ, सिर दे विच टप मारे आ। मैनू भाजी इस चीज़ का इंसाफ चाहिए आ। मेरा पुत्र शेर वर्गा मारा गया, मैनू इस चीज़ का इंसाफ दिओ जी महाराज। गुरप्रीत 28 साल का बच्चा
उन्हां दी स्टेटमेंट दे मुताबिक वो कहते भी सानू इहदी मौत दा जे कोई पता नहीं भी किस तरह हुई ये तो जाणू करवाया जाए पोस्टमार्टम इहदा करवा के उन्हां दी स्टेटमेंट दे आधार दे उत्ते उन्हां दे पिता दी ते जिहड़ा पोस्टमार्टम करवाउण लगे आ जिहड़ी भी सिचुएशन जिहड़ी सामने आउंदी है उहदे आधार दे उत्ते जिहड़ी कार्रवाई होनी चाहीदी। भावें कि सूबे के सेहत विभाग वालों डेंगू की रोकथाम ते इस तों बचण लई एडवाइजरी जारी की गई है ताजो इस नूं फैलन तों रोकिया जा सके। पंजाब भर विच भी फिर भी डेंगू मलेरिया का प्रकोप लगातार जारी है जिसके चलदे सेहत विभाग फिरोजपुर की टीम वालों ऑफिसर कलोनी ते सरकारी स्कूलों में अचनचेत चैकिंग की गई जिस दौरान सरकारी स्कूल लड़कियों में डेंगू का लारवा पाया गया जिसलिए सेहत विभाग वालों स्कूल प्रशासन को फटकार लगाई गई तो स्कूल में फॉगिंग कराने के आदेश जारी किए गए ही स्कूल का चलान भी कटिया गया। अभी प्रशासन को दिखाया भी गया पर उन्होंने इग्नोर करता है गलू यार कोई गल नहीं ये लारवाई फिर की हो जे हो जूगा तो फिर छोड़ो यार गलू छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं आन के इन्ने बच्चे जोड़े आ घट्टो घट्ट 500 बच्चा तो पढ़ता गा किसी भी जो डेंगू हो सकता गा तो जो पर प्रिंसीपल सर आए उन्हें कोई सीरीयस ली नहीं गल बिल्कुल लापरवाही जो दिखाया भी वो गल सुन के चले गए इतों इन्हों का अं चलान भी भेजा जी तो डिपार्टमेंट में जोड़ा है रिटर्न चाहिए लिख के भेजा नोट्स पहले भेज चुके हैं पर पहली बार भी दो तीन बार इन्हों हदायत की हैगी पर यह चीज़ में जरा सीरीयस लेंदे नहीं है क्योंकि पढ़े लिखे लोग इन्होंने तो यह चीज़ चाहिए कि लोगों को अवेयर कर पर यह लोगों को इसी जोड़ा है सूँ वार बार इन्होंने लोगों को आन के सूँ मतलब जोड़ा चैकिंग करके दसना पैंता हरेक बार लारवा फट फट देना कहीं पर जे ये लोग ही अवेयर नहीं है तो फिर अभी जोड़ा लोग दूजे लोगों को अवेयर करा। पंजाब दे पटवारी देश भर विच अजिहे अधिकारी होणगे जो 65 साल की उम्र तो बाद भी सेवा निभा रहे ने। हुण तक यह विशेष अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे उहनां जजां नूं सी जिन्हां दी सेवा मुक्ति की उम्र 65 साल है। पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ठेके ते काम कर रहे पटवारियों ते कानूनगो दीआं सेवावां विच 31 जनवरी 2024 तक वादा करन लई कहा। इह ओह पटवारी ते कानूनगो ने जिन्हां दी सेवा मुक्ति तो बाद भी वार वार सेवा काल विच वादा दिता जा रहा है। पंजाब दे पटवारी देश भर विच अजिहे अधिकारी होणगे जो 65 साल उम्र तो बाद भी सेवा निभाउणगे। बीते कुछ दिन पहला हरीके हेड वालों सतलुज दरिया में छड़े गए पानी कारण जिथे किसानों की हजारा एकड़ झोने की फसल पशुओं का चारा ते मक्की की फसल से बीजिया हुई सब्जियां बुरी तरह नाल बर्बाद हो गई सन उत्थे सतलुज दरिया के पानी की मार सरहदी पिंड मुठियावाला अजि पई कि इस पानी की मार हेठ आईया जमीना 10-10 फुट डूंघे टोए पै गए हैं। कई बिजाऊ जमीना 3-4 फुट रेता भर गया है। इस जमीन ना तो हूँ कोई फसल लग सकती है ना ही इस जमीन के पे डूंघे टोयां अपनी जान जोखम पा के इस डिफेंस नहर बेड़ी पा के डूंगे पानी चो लंघना पै रहा है। किसानों ने यह भी मांग की कि जे सरकार ने किसानों की सहायता करनी है तो उन्होंने मुआवजा देना तो मुआवजे के चेक पिंडा में जान के वंडे जान ताजो पीड़ित ते लोड़वंद किसान ये मुआवजा ले सकन ते अपने कुछ नुकसान की भरपाई कर सकन। अमृतसर के नमक मंडी इलाके के गली जंडीवाली विच एक मकान डिगन की सूचना मिली है। मौके पर सेवा सोसायटी फायर ब्रिगेड की टीम ने आके जब देखा तो मकान का पिछला हिस्सा डिग्या होया सी क्योंकि मकान की छत बालिया की सी जिथे एक बुजुर्ग जोड़ा रहिंदा सी जो मालवे हेठा दब गया जिन्होंने मौके पर सेवा सोसायटी फायर ब्रिगेड की टीम वालों सही सलामत बाहर कढ़िया गया। इस मौके पर समाज सेवक विक्की दत्ता ने प्रशासन के शहर वासियों को बुजुर्गों की मदद की अपील की है। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल।
इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्यवाद।